पुलिस भी इन दबंगों के साथ मिलकर उनके साथ खड़े नजर आई। देखिए दबंगों की काली करतूत, मैं उनके खिलाफ सबसे सख्त कार्रवाई चाहता हूँ। इसके बाद मेरा जो धन गया धन मुझे वापस चाहिए और उनसे लिखित में चाहिए कि जिंदगी भर मैं मरूं तो भी वो जवाबदार रहेंगे, बाकी मेरी कोई डिमांड नहीं, कोई च्वाइस नहीं। हुआ पुलिस बल ने कोई मामला दर्ज नहीं किया, उल्टा मेरे पे करके मेरे वारंट थे और मुझे डाल दिया सर, कोई कुछ नहीं किया जी सर। 20,000 रुपए उनसे लिए। दुश्मनों ने तो दुश्मनी की ही, लेकिन पुलिस वालों ने भी साथ नहीं दिया। जी हाँ, कुछ ऐसा ही कहना है स्ट्रेचर पर पड़े इस लाचार शख्स का। ये लाचार शख्स है ओमकार, जो बेबस और लाचार हो चुका है। इसकी बेबसी और लाचारी की वजह है पुरानी दुश्मनी, ऐसी दुश्मनी जो किसी भी शख्स को बड़ी वारदात को अंजाम देने पर मजबूर कर सकती है। ओमकार का कहना है कि इसकी दुश्मनी गांव के कुछ दबंगों से है, इसी वजह से उन दबंगों ने ओमकार को लाठी डंडों से पीटा और पीटने के बाद पुलिस में FIR भी दर्ज करा दी। लेकिन हद तो तब हो गई जब पुलिस ने बिना किसी डॉक्टरी जांच के ओमकार को जेल भी भेज दिया। अब जिनने जो किया उसके साथ उनको सजा मिलना चाहिए सर, बस। क्या किया है इसने? उसने मारा है साहब, लाठी राड और पाइप लोक है और उसको तिल्ली धरने को जगह नहीं है साहब। इंसानियत को शर्मसार करती ये वारदात है मध्य प्रदेश के बैतूल जिले की, जहां पर ओमकार अपने माता पिता के साथ रहता है। ओमकार की इसके ही गांव के रहने वाले सत्य प्रकाश, चंद्र प्रकाश, संपत, बंटू और चतुर से दुश्मनी भी चलती है, जिसकी वजह एक ओमकार को साजिश के तहत एक दिन इन लोगों ने रास्ते में रोक लिया और फिर लाठी डंडों से बेतहाशा पीटा, जिससे ओमकार के पैर की हड्डी तक टूट गई। लेकिन जब ओमकार को पीटने के बाद भी इन दबंगों को चैन नहीं आया तो फिर पुलिस ने ओमकार के खिलाफ मामला भी दर्ज करा दिया। लेकिन हद तो तब हो गई जब पुलिस ने मामला दर्ज करने के बाद बिना किसी डॉक्टरी जांच कराए ही ओमकार को जेल भेज दिया। हाँ, ये जांच की जाएगी उसमें कि क्या जेल में दाखिल करने के पहले कोई मेडिकल कराया गया था अथवा नहीं, और बिना मेडिकल के वैसे जेल में दाखिल मुख्यतः जनरली आदमी करते नहीं है, तो पूर्व में मेडिकल निश्चित ही हुआ होगा क्योंकि न्यायालय में पेश हुआ था वारंट फाइल था। बहरहाल परिजनों का आरोप है कि ये सब पुलिस और दबंगों की सांठगांठ की बदौलत ही हुआ है, जबकि पुलिस का कहना है कि वो मामले की तफ्तीश में लगी है, तफ्तीश पूरी होने के बाद ही मामले की तह तक जाने की बात कर रही है। बैतूल से नंद किशोर पवार की रिपोर्ट के साथ, दिल्ली से शशि सिंह के साथ अमरीश सिंह, आजाद न्यूज़।